आज आपका कंप्लीट रिवीजन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल हो जाना। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी। एक्चुअल का मतलब कि जिस दिन ड्यू डेट थी उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। जैसे एग्जाम्पल ए ने कहा था कि मैं 10 तारीख को गुड्स डिलीवर करूंगा और 10 तारीख को डिनाई कर देता है, इसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी का होता है कि बिफोर द ड्यू डेट, मतलब वो 8 तारीख को, 9 तारीख को, 6 तारीख को डिनाई कर देता है, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी। ध्यान दो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में जिस पार्टी को लॉस होता है उस पार्टी को डैमेज देना पड़ता है। आइए हम बात कर लेते हैं डैमेज आपके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका जनरल डैमेज। जनरल डैमेज क्या है कि अगर मान लो कि ए ने डिनाई कर दिया कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, तो उसकी वजह से जो लॉस होगा बी को, ए को भरपाई करना पड़ेगा। दूसरा होता है स्पेशल डैमेज। जैसे मान लो स्पेशल क्या कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो गुड्स 10 रुपये के हिसाब से डिलीवर करेगा 100, और बी ने सी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसे 15 रुपये के हिसाब से देगा, और ये बात ए जानता था। अब अगर मान लो ए डिनाई कर देता तो